सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि सबसे पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद ये बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी का डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन सारी कैटेगरी में से बताना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो तीन कैटेगरी होती है, जैसे कि एक हो गया टर्मिनेट जहां पे रिमाइंडर जीरो हो जाता है, और दूसरा आता है जहां पे आप डिवाइड कर रहे हो और बार बार चीजें रिपीट होती जा रही है, यानी कि रिमाइंडर आपका रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जहां पर आप डिवाइड करते जा रहे हो और वहां पर रिमाइंडर भी रिपीट नहीं होता जा रहा, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट पार्ट आपका यहां पे लिखा हुआ है, वी हैव 36/100। तो आप देख सकते हो 36/100 है, तो दो जीरो है, तो पॉइंट आपका दो जीरो यहां पे पहले आ जाएगा, तो यानी कि 0.36 इसे हम लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि क्या नाम देंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें तो कुछ खास नहीं था, तो एक बार हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। 1/11 आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले यहां पे ना जाने की जीरो लग जाएगी, एक लग गई। ठीक है, अब आप देखो ये अभी भी 10 पॉइंट लग जाएगा, अभी भी 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो फिर एक और जीरो लग जाएगी और एक और यहां पे आ गया, एक और जीरो आ गई। तो यहां पे आप देखोगे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 99, 1 बच गया, फिर 10 आ गया, फिर आप एक और जीरो उतारोगे तो एक और जीरो उतारोगे तो आप देखोगे फिर से यहां पे ये इस तरीके से आ जाएगा, 100 बन गया, फिर से आप देखोगे 99 आ गया, फिर पॉइंट लगने साथ एक जीरो मिलती है आपको, लेकिन अब एक और जीरो लोगे तो आपको एक और जीरो लगानी पड़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे यहां पर ये आपका फिर से 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 1 आ गया, फिर से 100 लिख दो, फिर 9 पे जा रहा है ये, लेकिन एक जीरो और लिखोगे आप क्योंकि आपने दो जीरो लिखी है यहाँ पे। तो आप देखोगे इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा। तो कहने का मतलब मैं 1/11 को क्या लिख सकता हूं, देखो रिपीट होता जा रहा है 09090909, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसे 0.09 के ऊपर बार, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप देख सकते हो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और बट लेकिन ये रिपीट होता जा रहा है। आप देखोगे यहां पे फिर 1 बच गया, फिर यहां पे 1 बचता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो आपने ये दो पार्ट इसके देख लिए, अब बाकी के दो पार्ट और हम और देख लेते हैं। टोटल इसके 6 पार्ट है, तो हम दो दो करके एक पेज पे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझते रहना हर एक पार्ट को। अब आपका जो थर्ड पार्ट है वो है आप लोगों का 4/1/8, और 4/1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखोगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे करेंगे, 8 की 4 से इंटू करेंगे, 32 आ जाएगा, 32 में 1 जोड़ देंगे,
तो ये आ जाएगा 33 अपॉन में 8। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो आप देखोगे अंदर आ जाएगा 33। तो यहाँ पे ये आप लोगों का किस पर जा रहा है, ये 4 पर जा रहा है, 32, 1 कैरी कर लिया, पॉइंट लगा दिया 0। फिर आप देखोगे 8 एकम 8, ठीक है, फिर 2 आ गया 0। फिर आप देखोगे 8 दूनी 16, 4 फिर 0, 8 पंजे 40। तो आपने देखा ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो इसका मतलब मैं 33/8 को लिख सकता हूँ 4.125, और आप देख सकते हो ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं इसे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है उसी को हम ये नाम देते हैं। उसके बाद आप देखोगे फोर्थ पार्ट जो आपको दिया गया है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है 3/13। तो क्या करेंगे हम, साइड में डिवाइड कर लेंगे, 13 यहां आ गया, 3 अंदर आ गया। फिर आप देखोगे सबसे पहले ना जाने की 0 आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे हम करेंगे तो ये 2 पर जा रहा है, 26, यहां पे आ जाएगा 4, फिर 0 उतार लेंगे हम, 13 3 39, 1। अब आप देखोगे यहां पे 1 है, 1 0 लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 आपका 13 से छोटा होता है तो मेरे को 00 लेनी पड़ेगी, और जैसे ही 00 लूंगा तो 1 0 यहां आ जाएगी। तो अब आप देखोगे किस पे जाएगा, अब ये 7 पे, 91 9 आ गया। फिर आप देखोगे 1 0 उतार लेंगे हम, फिर आप देखोगे किस पे जा रहे हैं, 6 पर, 78। अब इसमें से माइनस कर देंगे 2, और यहां पे 1, और यहां पे 120। फिर आप देखोगे 13 निम्मा 117, ये आ गया 3। फिर आप क्या करोगे, 1 0, 13 दूनी 26, यहां पे 4। फिर आप देखोगे 0 उतार लेंगे, फिर आप 13 3 39। आप देखो फिर से ये चीज रिपीट होती जा रही है, ठीक है, यानी कि आप देखोगे 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर से 2 3 चल रहा है, यानी कि यहां से, यानी कि 9 के बाद से पूरा का पूरा ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फिर 13/3 को लिखा जा सकता है 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि 9 के बाद से नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देखो यहां पे 2323, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पे बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब आगे चलते हैं हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पर। तो ये है फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 2/11। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे डिवाइड कर लेंगे 11, और अंदर आ गया 2, ठीक है, पहले ना जाने की 0 लग गई, ये बन गया 20, पॉइंट आ गया 11 एकम 11, ठीक है, यहां पे 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे ये बन जाएगा 90, क्योंकि पॉइंट लग गया, आप 0 लिख ही सकते हैं, उतार सकते हैं यहां पे, तो 88। फिर आप देखोगे 2 बचा, 0 उतारा, फिर से 11 एकम 11। फिर आप देखोगे 9 आ गया, फिर 0 लिखेंगे हम, तो ये फिर से आपका इस तरीके से आप देखोगे ये बार बार यहां पे रिमाइंडर 2 बचता जा रहा है, ठीक है। फिर से हम 11 एकम 11 करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हो ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, और रिपीट होता जा रहा है, तो आपको पता ही है आगे क्या करना है, 11 88
ठीक है। अब आप देखोगे 1818 18 18, तो यानी कि 18 रिपीट होता जा रहा है, तो 2/11 को मैं लिख सकता हूं 0.18 के ऊपर बार, और इसको हम क्या बोलेंगे फिर से, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और सिक्स पार्ट आप देख लो, इसमें आपको दिया हुआ है 329/400, तो इसको भी क्या करेंगे हम, पहले डिवाइड कर लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 329, तो पहले तो ना जाने की जीरो आ गई, पॉइंट आ गया, फिर आप देखो ये 8 पे चला जाएगा 3200 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 90, फिर एक जीरो उतार दो, फिर आप देखोगे ये 800 पे 800 आ जाएगा, 400 तो नहीं, ये आ गया 100, फिर एक जीरो आ गई, फिर आप देखोगे ये आपका कितना आ जाएगा फिर से 800, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 200 बच गया, एक जीरो और उतार दी हमने, फिर आप देखोगे ये 5 पर पूरा पूरा जा रहा है 2000, ये कट गया पूरा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 329/400 को हम लिख सकते हैं क्या 0.8225, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मैंने आप लोगों को 6 पार्ट करवा दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं इसमें क्या है। वी नो दैट 1/7 आपका इसके बराबर दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार, हम जानते हैं कि ये इसके बराबर है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, यानी कि बिना डिवाइड किए आपको इसे, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बिना डिवाइड किए, तो देखते हैं हम किस तरीके से होगा। हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर होगा येस, वी कैन प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिविजन। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है यहाँ पे 1/7 0.142857 के ऊपर बार है। अब आप देखो अगर 2/7 है तो इसे मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूं, और 1/7 की वैल्यू ये है, इसका मतलब क्या है कि आप 2 से इंटू कर दो बस, यानी कि इसको किससे इंटू कर दोगे 2 से, तो 2 से इंटू करेंगे तो आप देखोगे ये आ जाएगा 0.285714, ठीक है, यानी कि इस पूरे को अंदर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ऐसी 3/7 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1/7, फिर आप क्या करोगे इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 3/7 की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया आपका, ठीक है, 4 × 2857 के ऊपर बार। फिर आप देखो 4/7 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 1/7, अब की बात 4 से इंटू कर दो पूरी वैल्यू को, कर दी हमने तो ये आ जाएगा 571428। फिर 5/7 लिखा हुआ है, 5 × 1/7 लिख सकते हैं इसे, तो ये आ जाएगा आपका 714285, और 6/7 ये आ जाएगा, यानी कि अगर इस तरीके से आपको 8 तक भी निकालना हो, 9 तक भी निकालना हो, आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना, 1200 तक आप जितना मर्जी निकाल सकते हो, बस ऊपर वाले की अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे क्योंकि यहां तक पूछा था तो हमने यहां तक निकाल दिया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं और इसमें क्या रखा है कि इनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो,
अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो सॉल्यूशन इन सब का देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरा सी पार्ट 5 इन माय चैनल, यानी कि आपको, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपका इसी चैप्टर का पार्ट 5 है। तो आप क्या करोगे, पार्ट 5 को आप अच्छी तरीके से देख लेना मेरे चैनल में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों ने देख रखा हो, लेकिन फिर भी आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 5 में आप लोगों को इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो आपको यहां पे ये बताना है कि पहली बात तो इसे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमसे कह रहा है क्या आप यहां पे सरप्राइज हो जाओगे इसके आंसर को देखकर। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि पूरा क्या है। सबसे पहले आप देखोगे एक्स हमने मान लेना है 0.999, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। 4 × 9 है तो मैं जितने मर्जी लिख सकता हूं, तो मैंने 3 बार लिख लिया। अब आप देखोगे पॉइंट के एक डिजिट तक नंबर रिपीट होता जा रहा है, जैसे कि 999 होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 से इंटू कर दो, 10x हो गया, और यहाँ पे 0.1 प्लस आगे चला गया, तो ये बन जाएगा 9.999, एक 9 अलग से उतारते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हो गया। अब इसमें से ये माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 10x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 9.999 माइनस 0.999। सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 9x के बराबर में 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमसे लास्ट में जो पूछ, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप सरप्राइज होगे, तो हम कहेंगे कि यस वी आर सरप्राइज टू गेट एन इंटीजर 1। आप देखोगे पॉइंट वाले को हमने सॉल्व किया और आंसर आया 1, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 9 इज रिपीटेडली इनफाइनेटली एंड दिस विल टर्न टू एन इंटीजर। तो आप देखोगे यहाँ पे सरप्राइज इसलिए हो रहे हम क्योंकि आप देखो 0.999 ये एंड तक चलता जा रहा है, और हमने इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया और आंसर आ गया 1, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इसमें लिखना है, हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. यानी कि आपको 1 upon 17 को, यानी कि आपस में डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको मैक्सिमम पॉइंट के जितने डिजिट्स तक आप निकाल सकते हो उतने डिजिट्स तक आप निकालते चले जाओ, और ये भी बताना है कि मैक्सिमम डिजिट्स यानी कि कितने डिजिट्स तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि डिवाइड करी, यहाँ पे पहले आप देख लो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16, यानी कि पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स तक हमने निकाल दिया, और कैसे निकाला वो आप नीचे देख सकते हो। तो नीचे आपको नॉर्मली डिवाइड करनी है, और डिवाइड करनी तो आप लोगों को आ ही गई है, तो इसलिए आप फिर भी अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो 17 है। आप देखोगे यहाँ पे 1 था, तो ना जाने की पहले 0 लगाई तो ये 10 बन गया, 10 अभी भी 17 से छोटा है, तो हमने पॉइंट लग के एक 0 और लगा दी, ठीक है। तो 0.0 अब ये 5 पे चला गया, 85 सॉल्व करेंगे 15 आ गया, एक 0 उतारी, ठीक है ना। फिर आप देखोगे फिर यहाँ पे ये आपका 8 पे चला जाएगा तो 136 आ गया, फिर सॉल्व करेंगे 140 आ गया, ठीक है ना, 140 आ गया, फिर से ये 8 पे चला जाएगा 136 आ गया, यहाँ पे 40 बच गया, यानी कि 4 बच गया और एक 0 लिख दी हमने। फिर ये 2 पे चला जाएगा, 34 आता है क्योंकि, फिर आप देखोगे सॉल्व करेंगे नीचे तो 6 आ जाएगा, फिर एक 0 उतार दी हमने। फिर आप देखोगे 17 × 51 होता है, तो यहाँ पे 51 आ गया आपका, 51 आ गया, सॉल्व किया तो ये 9 आ गया, फिर हमने एक 0 यहाँ पे लिख दी, एक 0 लिखते साथ ही ये बन गया 90। अब 90 17 × 85 होता है, तो आप देखोगे ये 85 आ गया, फिर 5 बचा, तो यहाँ पे ये बन गया 50, एक 0 लिख दी हमने, फिर
फिर आप देखोगे 2 पर जा रहा है ये 34, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, एक जीरो हमने फिर उतार दी, ये बन गया 160। अब ये 17 ये 9 पे चला जाएगा सीधा, ठीक है ना। अब आप देखो 9 पे चला जाएगा ये, तो आप देखोगे क्या बचेगा, 153 आ जाएगा, और सॉल्व करने पे इसे बचेगा 7। फिर एक जीरो उतार दो आप, ठीक है ना, 68 आ गया, 4 पे चला जाएगा ये। फिर 2 आ गया, एक जीरो और उतार दो, फिर आप देखो 1 पे जाएगा ये, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना बचेगा, 3, 30 बन गया, फिर से ये 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 13 बच गया, एक जीरो उतार दी। फिर आप यहाँ पे 7 पे चला जाएगा, 17 7 119 होता है, 11 बचा, फिर एक जीरो उतार दी। फिर 6 पे चला जाएगा, 102, फिर सॉल्व करके रिमाइंडर 80 आ गया। 80 के बाद आप देखोगे 17 4 68 68 आ जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे बच गया 12, फिर एक जीरो लिख दिया हमने, फिर 17 7 119। तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों की पूरी कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ पे डिवाइड आप लोगों को बता रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट के कितने डिजिट्स तक ये रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से रिपीट हो रहा है, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। देखो जब हमने डिवाइड की थी तो यहाँ पे सिर्फ अंदर 1 रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने 1/17 लिखा हुआ है, तो अंदर तो 1 ही लिखेंगे। अब आप देखो यहां पर सॉल्व करते करते वापस रिमाइंडर में 1 आ गया। अब 1 आ गया, फिर से आप देखो 17 से हमें 1 को काटना है, तो फिर से एक जीरो लगाएंगे, फिर आप देखोगे ना जाने की जीरो लगेगी, फिर से आप देखोगे 100 बन गया, फिर से आप देखोगे ये 85 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां से ये फिर से इस तरीके से रिपीट होती चली जाएगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो यानी कि 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमने पॉइंट के निकाल दिए डिजिट्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स जो हो रहे हैं, इतने डिजिट्स तक ये मैक्सिमम निकलेगा, उसके बाद यही नंबर्स क्या होते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसा ही था, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस इसमें डिवाइड करना था और मैक्सिमम डिजिट्स तक निकालना था, जितना निकाल सकते थे आप। तो आपने देखा कि 16 डिजिट तक ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से फिर से वो चीज रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नीड नॉट नेसेसरी है, मतलब वो पेपर के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया ही नहीं, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो आने ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहता है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग यानी कि रिपीटिंग। सीधा आपको ये भी कह सकता था कि इरेशनल नंबर निकालो 3, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे हम, तो आप देखोगे द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर, तो अपनी मर्जी से कोई से भी 3 लिख दो, कोई से भी 3 आप ऐसे नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो मैंने क्या लिखा, पहला ले लिया 0.01001001000100000, इस तरीके से लिख दिया। फिर आप 1 की जगह 2 को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से बन गया। फिर 3 भी लिख दिया मैंने, तो 3 ही चाहिए थी, 3 ही लिख दिए। और यहाँ पे मैं लास्ट में क्या कहूंगा स्टेटमेंट में, इन दीज एग्जाम्पल्स रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, एंड डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, और साथ ही साथ डिजिट्स भी यहाँ पे नॉन रिपीटिंग में यानी कि रिपीट नहीं होंगे आफ्टर सम इंटरवल, सो द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसलिए ये नंबर्स क्या बनेंगे आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया आपको, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना, और मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का पार्ट नंबर 7,
इन माई चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 7 है, तो अच्छे से आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको कवर कर लेना, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बताया गया है, कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो कैसे पता करेंगे हम, तो आप देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ है रूट के अंदर 23, तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो आप लोगों का प्राइम नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, या तो आप सॉल्व करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते थे। तो अगर हम रूट 23 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, hence it is an irrational number। आप सीधा ये भी लिख सकते थे प्रॉपर्टी लिख करके, रूट के अंदर कोई सा भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है, इसलिए रूट 23 इज एन इरेशनल नंबर। फिर आप देखोगे रूट के अंदर 22 आपको दिया हुआ है, और आपको पता है इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा तो 15 आएगा, सो इट इज अ रैशनल नंबर। फिर आप देखो अगला पार्ट आपको दिया हुआ है 0.3796, तो 0.3796 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज अ रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं तो वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 7.478, फिर तीन डॉट लग रहे हैं, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक ये ऐसे चलता रहेगा। अब 478 रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब ये आगे भी रिपीट होगा, तो मैंने क्या लिखा 478 इज अ रिपीटिंग कॉन्टिन्यूसली, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है बट ये रिपीट होता जा रहा है, तो हैंस इट इज अ रैशनल नंबर। आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है उसे हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आप देखो फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया है 0.10100100001000001, तो इस तरीके से आप देखो कि ये रिपीट होता जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये रिपीट नहीं होता जा रहा है। ठीक है ना, तो आप देखो 10100100101 फिर 0001, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्या माना जाएगा, इरेशनल नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि इसे किस तरीके से सॉल्व हमें करना है। बस फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, और ध्यान क्या देना है कि आप देखो इसमें आपको लग रहा होगा कि 1111 आ रहा है, जीरोस भी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो फिर रिपीट हो रहा होगा। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा। आप देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे 10,000 हो गया, तो इस तरीके से ये रिपीट कहाँ हुआ, यहाँ पे तो डिजिट्स आपके चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 1 पॉइंट आप लोगों की, ये 3 एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई होगी। अगर लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो और मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं वहां तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 1.5 एक्सरसाइज करवाऊंगा, 1.4 आप लोगों की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है पेपर के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और वो आती भी नहीं है, इसलिए हम 1.4 ना करवा के सीधा करवाएंगे 1.5 एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।